वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। हमें स्टूडियो में हमारी गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है, पनाटा लेडी के नाम से मशहूर हैं, आमिना अली ने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आमिना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आमिना, आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है और हर बार हम आपकी जो क्रिएशंस हैं इनको देख के अमेज हो जाते हैं कि इतनी जबरदस्त चीजें आप बनाती हैं। पनाटा लेडी बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा शो, दोबारा से जरा बात करें, पनाटा बेसिकली है क्या? पनाटा बेसिकली एक पेपर मैशी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैंडीज फिल होती हैं और फिर वो बर्थडे पार्टीज या कोई भी आपके ओकेजन के ऊपर उसको फाड़ते हैं और फिर वो उसमें से कैंडीज निकलती हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन उसको तोड़ना और उसके अंदर सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं इन्वॉल्व। तो आमिना, पनाटा का आपके माइंड में कॉन्सेप्ट या आइडिया कैसे आया था? मेरे माइंड वैसे तो ये बाहर तो काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, बट मुझे 8 साल पहले अपने बेटे की बर्थडे के लिए चाहिए था पनाटा। सो उस वक्त मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं था और ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद पिनाटा बेटे की बर्थडे से पहले ही मेरा बिजनेस भी शुरू हो गया। लवली। तो अब वो माशाल्लाह 8 साल का हो गया, अब काम मेरा काफी 8-9 साल से चल रहा है। अच्छा, पिनाटा मतलब ये मुख्तलिफ शेप्स हम देख रहे हैं, फ्रोजन और ये फिश भी है और ये सारी चीजें, टाइम बहुत कंज्यूमिंग लगता है क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्ट वर्क है और आर्ट वर्क में काम टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। टाइम तो बहुत लगता है, बड़ी मेहनत जाती है इसके अंदर बनाने में और वो कुछ मिनटों का खेल होता है। हाँ, मगर उसके बाद फिर वो सब टूट जाता है, बट ऑब्वियसली लोगों को मज़ा आता है, बच्चे खुश होते हैं, फैमिलीज इंजॉय करती हैं, सो वो मेहनत वहाँ पर वसूल हो जाती है जब इतने सब खुश हो रहे होते हैं पिनाटा को ब्रेक करते हुए। तो वो वहाँ पर वो जो एलिमेंट होता है ना कि इतनी मेहनत की थी, वो सब केक भी तो लोग खाते ही हैं ना, ज़्यादा इतना कस्टमाइज केक्स होते हैं, जब आप छुरी फेरते हैं तो बस वो खत्म नहीं हो जाता। तो आमिना, आजकल किस तरह का रिस्पांस चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे पार्टीज तो पूरा साल रहती है और फिर छोटे मोटे इवेंट्स भी आ जाते हैं, तो उस पर कितना किस तरह आजकल? तो सीजन माशाल्लाह बहुत हाई है, अब हैलोवीन भी आने वाली है तो उसके ऊपर भी पम्पकिन जैसे मैंने बनाया हुआ है ये भी आएगा। ये यूनिकॉर्न आजकल बहुत पॉपुलर है, बच्चे यूनिकॉर्न गर्ल्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर, मैंने इतने ज़्यादा बनाए हैं, आप मेरे पेज पे चेक करें। हाँ, तो वहाँ पे लेडी के नाम से पेज है जनाब इनका, facebook.com/pinatalady.com। लवली। आमिना अली आप जरूर चेक कीजिएगा इनकी, जबरदस्त, पहले भी हमारे पास आई थी आमिना, और आपको पता है कि रिस्पांस डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया से मेरे ख्याल से आपने अपना बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड किया। बिल्कुल, सोशल मीडिया ही मेरा टारगेट होता है, जहाँ से सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। आप किससे भी इतनी दफा मुलाकात हुई है माशाल्लाह से कि लोग और भी जाना शुरू हो गए। तो मेरा तो काम सोशल मीडिया से ही, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ग्रो किया है वहाँ से और दैट्स हाउ पीपल नो मी। अब मैं आमिना अली से ज्यादा पिनाटा लेडी से जानी जाती हूँ ज्यादा। अच्छा आमिना, टाइम कितना लगता है, क्योंकि अक्सर चीज़ें ख़राब भी होने का खतरा होता है, मैं हर बार सवाल क्योंकि इससे करती हूँ, क्योंकि हमेशा डाउट होता है कि जब ख़राब होता होगा तो इतनी मेहनत, इतनी चीज़ें। मैं हमेशा जब भी क्लाइंट से टाइम लेती हूँ तो मैं 1 हफ्ते का टाइम लेती हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। अब जैसे जो छोटे होते हैं वो तो 3 दिन में भी तैयार हो जाते हैं, मगर जस्ट के लोगों को कभी ये ना हो कि ऑन टाइम हमें चीज़ नहीं मिली। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ ऑन टाइम होनी चाहिए, वरना तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता ना। तो मैं हमेशा टाइम इतना ले लेती हूँ कि अगर फ़र्ज करें हैंडमेड चीज़ें ख़राब होने का डर भी अगर हो जाता है तो आई हैव इनफ टाइम टू मेक इट राइट। तो अल्लाह का शुक्र है इतने ज़्यादा डिजास्टर नहीं होते। हुआ कभी हो जाता है, मगर क्लाइंट तक खराब प्रोडक्ट नहीं पहुँचा। हाँ, वो तो डेफिनेटली वो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, मगर मतलब खुद जो पैनिक होता है और खुद आपको जो इतनी टेंशन। हाँ नहीं, वो मगर ऑब्वियसली कभी ऐसा भी हुआ है कि वो कोलैप्स कर गया सारा स्ट्रक्चर, बट अदरवाइज क्लाइंट तक चीज ठीक ही पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह। लवली लवली। अब मार्केटिंग ये सारी चीजें आमिना कितनी इंपॉर्टेंट है, और कोई टीम वगैरह रखी है या खुद से ही सारा कुछ कर रहे हो? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग मैं अपनी खुद ही करती हूँ। मतलब फ्रॉम जब शुरू में किया था तो लोगों को कार्ड भी देना से लेके और ऑनलाइन ऑर्डर्स हर चीज, आई थिंक मैं 1 मैन शो की तरह काम करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है। मैनेज ये भी, क्योंकि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। बस अब इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि मैं कर लेती हूँ मैनेज,
और मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ आपकी, हाँ वो ज्यादा एक होता है. तो फीडबैक ऑब्वियसली जब एक बार होता है आपको किसी पार्टी में आपका कोई मास्टरपीस देखा और फिर उसके बाद फीडबैक मिलना शुरू होता है, डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड फिर बढ़ जाती है. बिकॉज ऑब्वियसली एक पार्टी में जब वो इतनी इवेंटफुल चीज हो जाती है तो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इन देयर पार्टी ऑल्सो. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी इवेंट हो आपके घर में, कोई पार्टी हो, आप उसमें एक पिनाटा रख लें तो आपकी हर चीज, मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सब बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, डेफिनेटली. अच्छा, ये बर्थडे पार्टीज के अलावा किन इवेंट्स पे आप पिनाटा को यूटिलाइज कर? मैंने बेबी शावर्स के लिए, ब्राइडल शावर्स के लिए, मेहंदियों के लिए, और मतलब नॉट जस्ट के सिर्फ बच्चों के लिए हो, मैंने बड़ों के लिए भी पिनाटास बनाए हैं, दादियों के लिए, नानियों के लिए, मदर इन लॉज के लिए. अपना को मैसेज देना चाहो अपनी साथ पीसेस के हवाले से और बताना चाहो लोगों को कि कहाँ पर वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपका काम भी देख सकते हैं. मेरा काम फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और आपके शो पे भी देख सकते हैं और मेरे पेज को जाएं, लाइक करें और डू ऑर्डर पिनाटा फॉर योर नेक्स्ट इवेंट. बहुत मज़ा आता है और मेरी चीज़ है, मगर मुझे पता है कि इसमें बहुत मज़ा आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं. लवली, थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. और जनाब, आमना का पेज जरूर विजिट करें और आपको पिनाटा इतने जबरदस्त शेप्स में मिलेंगे, आप उसको अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं. पिनाटा लेडी के नाम से इनका पेज है. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें टैलेंट भी ज्वाइन करेगा. आप देखते रहिए जागो लाहौर.